जैसा आएगा धन वैसा ही जाएगा भी, जैसा कमाओगे वैसा ही उड़ा दिया जाएगा। अगर अधिक धन है और तुमने बुरे काम करके कमाया है तो बुरे काम में ही जाएगा। इल गॉट इल स्पेंट एंड द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ द वाइज इज दैट दे डू नॉट एडवाइज। आज मैं आपको आउट शब्द जो बेहद इंपॉर्टेंट है और जिसकी वजह से बहुत कम वाक्य बनाना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा वाक्य का अर्थ भी ये आउट में ही आ जाता है, ज्यादा शब्दों को कम शब्दों में कन्वर्ट कर देता है ये आउट शब्द। आज हम इसको सिखाएंगे एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करना, तो देखें। और इसमें साथ में बहुत सारे फ्रेजेस भी हैं आउट के ही। आउट माने होता है बाहर, जैसे गेट आउट, बाहर जाइए। ही हैज गॉन आउट, वह बाहर चला गया है, इसका वाक्य प्रयोग है वह बाहर चला गया है। आउट माने हड़ताल पर भी होता है। द डॉक्टर्स आर गोइंग आउट अगेन, अर्थात डॉक्टर्स हड़ताल पर जा रहे हैं दोबारा। आउट सबकी जानकारी में, द सीक्रेट इज आउट, रहस्य का रहस्योद्घाटन हो गया है, अर्थात जो रहस्य है वो रहस्य बाहर आ गया, सबके सामने रहस्य नहीं रहा। आउट माने बुझा हुआ भी होता है, आउट माने बुझा हुआ। द फायर इज आउट, आग बुझ गई है, बुझी हुई है। अब अगला मीनिंग आउट का क्या है, खेल से बाहर। बैट्समैन इज आउट, बैट्समैन आउट हो गया। तो इस तरीके से आउट शब्द को बड़े पूरा वाक्य बनाओ, बजाय आउट शब्द ही क्लियर कर देता है हर बात को। अब देखें इसको फ्रेजेस के रूप में, जो बहुत ही शानदार हैं फ्रेजेस इसके। मर्डर विल आउट, मर्डर विल आउट, हत्या कभी छुपी नहीं रह सकती और हत्यारा भी छुपा नहीं रह सकता। द ट्रुथ इज विल आउट, सच्चाई छुप नहीं सकती। तो इतने बड़े सेंटेंस को देखिए किस तरीके से जरा सी दूर में ही आ गया है ये सेंटेंस। आउट ऑफ कोर्स, पाठ्यक्रम से बाहर, यानी जितना पाठ्यक्रम था उससे बाहर। आउट ऑफ डोर्स, घर से बाहर, अर्थात खुली हवा में। आउट ऑफ हैंड या आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण से बाहर। आउट ऑफ हैंड, नियंत्रण से बाहर। आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण से बाहर। आउट ऑफ वंस माइंड, दिमाग से बाहर, अर्थात कोई भूली हुई चीज। आउट ऑफ प्रिंट, जिस चीज का छपना ही बंद हो गया हो, जैसे कोई किताब है तो छपना बंद हो गया, अखबार छपना बंद हो गया, तो इस तरीके से आउट ऑफ प्रिंट, जिसका छपना बंद हो गया हो। आउट ऑफ द वुड्स, खतरे से बाहर, वुड्स माने जंगल, जंगल से बाहर अर्थात खतरे से बाहर। अब देखें आउट ऑफ टेंपर, आउट ऑफ टेंपर माने बहुत नाराज, बहुत नाराज, गुस्से में। इनसाइड आउट, पूरा भेद, किसी के बारे में जानना। आउ आई नो इंस एंड आउट्स अबाउट हिम, मैं उसके बारे में पूरा भेद जानता हूं। आउट एंड आउट, पूरी तरीके से। ही इज आउट एंड आउट ए रॉग, वो एक बदमाश है, पूरा का पूरा बदमाश है संपूर्ण रूप से, अर्थात आउट यू गो, बाहर निकल जाओ। आउट यू गो, बाहर निकल जाओ, तो ये कितने शॉर्ट में है और बाहर निकलो का अर्थ। वैसे गेट आउट भी शॉर्ट में ही है, तो उसमें भी आउट लगा हुआ है। हैव संडेज, ये सबसे बढ़िया अर्थ है, देखें। हैव संडेज का मतलब होता है कि घर से बाहर संडे को बिताना, अर्थात रविवार का दिन बाहर बिताना कहीं मस्ती में। अब देखें आउट विद इट, अपनी बात को कह डालो, अपनी बात को कह डालो। आउट विद इट, आउट टू हार्म, हानि पहुंचाने पर तुला हुआ। ही इज आउट टू हार्म मी, वो मुझे हानि पहुंचाने पर तुला हुआ है। तो इस प्रकार से इसके सेंटेंस बनेंगे। और आउट को यहां पर एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया गया है। आउट शब्द क्रिया के रूप में कैसे काम करता है,
आउट, टू आउट माने सर्वविदित हो जाना, सबके सामने प्रकट हो जाना बात का। द ट्रुथ विल आउट, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी नाउन के रूप में। आउट्स, आउट्स का अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति जिनके पास कोई पद ना हो राजनीतिक रूप में, जैसे कि सत्ता ना हो, सत्ता का कोई पद ना हो, आउट्स कहलाते। इंटरजेक्शन के रूप में आउट घृणा से चलो हटो कहने को कहते हैं, चलो हटो चले जाओ। और आउट के बाद अपॉन का प्रयोग होता है, आउट अपॉन यू, घृणा से के भाव से कहो चलो हटो यहां से। आउट प्रीपोजिशन के रूप में अंदर से बाहर की ओर, शी इज लुकिंग आउट द विंडो, वह खिड़की से बाहर झांक रही है, वह खिड़की से बाहर झांक रही है। एडवर्ब के रूप में घर से बाहर, टू गो आउट ऑफ टाउन, शहर से बाहर जाना, टू गो आउट फॉर ए वॉक, घूमने के लिए जाना बाहर, घर से बाहर। आउट चलन से बाहर, द स्टाइल हैज गॉन आउट, ये स्टाइल अब चलन से या फैशन से बाहर है। आउट बुझना, द लैंप वेंट आउट, लैंप बुझ गया। आउट पुस्तक का पुस्तकालय में ना होना, द बुक वाज आउट, द बुक वाज आउट या द बुक इज आउट, यानी लाइब्रेरी में नहीं है। आउट कमी होना, आई एम आउट ऑफ कोट, मेरे पास कोट की कमी है, ये कोट है ना इसकी कमी है, मेरे पास कोट नहीं है, इसका अर्थ ये हुआ। आउट जोर से, टू कॉल आउट, जोर से पुकारना किसी को। टू क्राई आउट यानी जोर से चिल्लाना, रोना। ऑल आउट माने है भरसक प्रयास करना, दे वेंट ऑल आउट टू फिनिश द वर्क, उन्होंने अपना कार्य समाप्त करने का पूरा प्रयास किया। आउट एंड अवे निसंदेह, या अति उत्तम, ही इज आउट एंड अवे द बेस्ट मैन, वो निश्चित रूप से निसंदेह एक अच्छा इंसान है, उत्तम इंसान है। आउट फ्रॉम अंडर, विषम परिस्थिति में, आई वॉन्ट टू गेट आउट फ्रॉम अंडर, मैं इस विषम परिस्थिति से बाहर आना चाहता हूं। तो ये आउट के बहुत सारे यूज मैंने बताए, और ये जितने भी यूज हैं ये बहुत ही काम के हैं, और यदि हम इसका इनको याद करते हैं तो एक संक्षिप्त रूप, किसी बड़े सेंटेंस का एक संक्षिप्त रूप भी हमें प्राप्त हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।